अस्सलाम वालेकुम जी। यासर संधु अज का वीकली है जी, अपना तुहाडे कमेंटा ने जवाब जिहड़े देई जे। अज टाइम भी मुक्तसर जा सगा ते मैं अगर चलो कवर कर लईए। अच्छा जी, कमेंट ते जवाब देने तो पहले मैं दसदा जावां कि काफ़ी दोस्तों की स्टैंडर्ड आइन पंप के बारे मैसेज बारे सी पुछ रहे। मैं दसदा जावां कि दोस्तों स्टैंडर्ड आइन पंप जिहड़ा 260 और 375 दे विच फुल टाइम आ रहा है, लगभग 2 महीने हो गए हैं। और ये नाल नाल मैं एक चीज़ वो तो शेयर अच्छ करना चाहना कि स्टैंडर्ड आइन पंप जिहड़ा ये तुम पहले दस्या भी आना है, हूँ आ गया, डिलीवर भी हो रहे हैं ट्रैक्टर। अच्छा, हाल ही एक दोस्त का जनाब 375 जिहड़ा है वो आया है। मैं ये तुम्हें दसना चाहना कि जिहड़े लोगों 260 या 375 डेल्फी के पैसे घट ले ज्यादा ले जा रहे हैं, स्टैंडर्ड आइन के घट ले जा रहे हैं, शोरूम वाले काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और जुर्म भी है और ज्यादती भी है किसान के नाल। मैं दसदा जावां कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है कितने भी किसी पंप के पैसे घट रहे हैं, जिदा कि असी खुद साखता, असी लोगों ने खुद साखता एक चीज बनाई सी कि जनरल का टायर लेना जी, तो डीलर ने तुहाडा खूब फायदा उठाया, 30,000 रुपए के फर्क के नाल तुहानूं ट्रैक्टर देना शुरू कर दिता। जबकि मिलत की तरफों ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि जनरल के टायर होने इन्ने पैसे, पैंथर के होने इन्ने पैसे, नहीं कोई चक्कर नहीं है। सेम यही सिचुएशन अजकल स्टार्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर फुल भार नाल स्टैंडर्ड आइन ते डेल्फी। अगर डेल्फी लेना तो जी इन्ने पैसे, स्टैंडर्ड आइन तो इन्ने पैसे, और यार स्टैंडर्ड डेल्फी तो उन्होंने लोगों को खड़े ने जिन्हों को कुछ चंद दिन पहले की बुकिंग खड़ी है। इस तो अलावा जोड़ा डेल्फी है ये मुकम्मल तौर पर आना ही नहीं, जो तुम एडवांस इन्ने पैसे लख लख रुपया एक पंप पिछे दे जा रहे हो, यह सरासर गलत है। मैं दोस्तों मना करा कि प्लीज स्टैंडर्ड आइन के नाम से डेल्फी के नाम से इतने पैसे जाया अपने ना करो। शॉर्ट जी कहानी है, उम्मीद है तुम मेरी गल समझ गए होवोगे मैं तुम्हें की कहना चाह रहा, क्योंकि जो आना स्टैंडर्ड आइन और लगन स्टैंडर्ड आइन लग जाएगा तो तुम डेल्फी की करोगे, तो फायदा कोई नहीं, बात पैसे पाता जो मिल रहा जिन्होंने पैसे भर के लो, नवी रीत गलत तरीका जो दोबारा फिर टायर की तरह ना निकालो। अच्छा जी, अगला सवाल से वाई टी ओ टायर भाई हूँ पूछ रहे थे कि 14 के पहले आ रहे थे, हूँ जी शेप आई 18 के हो गए जी, सॉरी 13 के हो गए ने। नहीं ब्रदर, 13 के नहीं हो, मैं कन्फर्म कर लिया टायर 14 का ही है जिहड़ा पहले आ रहा है 14 का, वह 14 का टायर ही आना आएगा। अच्छा जी, अपने गुरप्रीत सिंह ने जी कहते हैं वीर जी हालां की लंबाई ज्यादा है तो कोड़ थोड़े है भाई, जो 385 4x4 के मगर भाई वाहद अमर वाले के मगर टैसट किए ब्रदर, ये वाला हाल नहीं गए, ये चीजल से 2.5 फुट का जो कोड़ है, ये बहरले कोड़ जोड़े ने कोड़ ज्यादा कोड़ा वाला है, तो लगा ला के रखे हुए थे ताकि वह ट्रैक्टर दुए के उन्होंने को दूआ ट्रैक्टर से वह मगर चलते सी, तो गहराई तक उन्होंने पट्टना से उन्होंने फिर थोड़े कोड़ कट के ज्यादा पटाई करते रहे, तो फिर साढ़े को ट्रैक्टर उन्होंने फार्म तो दूर से यही अवेल सेगा तो चुक के फिर ये अच्छी चला रहे थे, बाकी वो कोड़ है ने और ट्रैक्टर चला भी आराम लगता, मसला नहीं है। अच्छा जी, अगला जी अपना अवैस अहमद साहब ने कहते सिंधु साहब ये बताएं कि गाजी किस तरह से 65 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, प्रूव करें, जवाब लाजमी दें वरना वीडियो बनाना बंद कर दे मामा। अवैस भाई तुसी ये गल प्रूफ कर दियो कि गाजी 65 हॉर्स पावर पूरे दे नहीं दे रहा, मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया, मेरी समझ कहती है कि 65 पूरे कर रहा। अच्छा जी, अगे ने जी जवार अली खान, सलाम यासर भाई, मैं ट्रैक्टर खरीद तो नहीं सकता पर शौक बहुत है, हॉलिंग मास्टर की कीमत एग्री मास्टर से ज्यादा क्यों है? ये तो कंपनी जानती है जी, कंपनी कहती है कि असी तुहाडे मुताबक बना के नहीं दिता है लोगों के, और असी कुछ चीजों से ज्यादा टालियां मिसाल के तौर पर। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर इदा भी वह कहते हैं कि जी एक तो ये अंदर असी क्लच प्लेट बड़ी की है, दूसरा जरा इंजन जोड़ा है वह छोटा आता असी उन्होंने बड़ा किया, मतलब पहले 4000 cc सेगा उस तो बाद असी 5000 cc किया, ठीक है, इस तरह के कुछ वह कहें उन्होंने को बातों ने इनू कहने वास्ते जी वह कहें असी रेट बताए हैं। अच्छा जी, होर की है जी, आ गया कि गुरप्रीत सिंह ने जी कहते भाजी तुहाडे पाकिस्तान विच मैं देखिया पैपसी वाले आलू बिग फार्मर को लेंदे आ। हाँ जी, इस तरीके का जी तुसी बिल्कुल सही सुनिया, पैपसी वड्डे फार्मर को लेंदी आ, साडे रंगे माड़े तो गरीब लोगों को फार्मर को ये आलू नहीं लेंदी ना, इन्हां नूं काश्त ही करवाउंदी है।
ਅੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਔਰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਨੇ 4x4 ਮਾਡਲ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੋਰਡ ਨਿਊ ਫੋਰਡ ਭਾਈ ਨਿਊ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾਏ ਪੇਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਈਏ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਗਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਨ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹਾਂਜੀ ਡੂੰਡ ਕੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੋਸਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਸਨ ਡੋਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੇਕਾਰ ਤਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਕੀਮਤ 34 ਲੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਸਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਲਾਰਸ ਤੇ ਬਾਈਲਾਰਸ ਜਿਹੜਾ 820 ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 34-35 ਲੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਘੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਇਹ ਬਲਾਰਸ 820 ਜਿਹਨੇ 34 ਲੱਖ ਭਰਿਆ ਇਹ ਉਹ ਬਲਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਲਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 100% ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਲਾਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਬਲਾਰਸ ਕੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ 34 ਲੱਖ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹਾਰਡ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੇ ਔਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 70 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਨ 4x4 ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ 4x4 ਆ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਰਾਰਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 820 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 85 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਭਾਈ 786 ਜਨਾਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੈਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ 21 ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਥਰੈਸ਼ਰ ਮਿਲਤ ਕਾ 3 ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀ ਪਰ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਅਬ ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗਾਜ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਥਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓਗੇ 375 ਲਾ ਲਓਗੇ 85 ਲਾ ਲਓਗੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਲਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੇਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੁਕਵਾਓਗੇ ਕੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਵੇਟ ਲਹਾਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬਣੀ ਆ ਵੇਟ ਲਗਾਓ ਵੇਟ ਲਗਾਓ ਯਾਰ ਵੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਟਰਬਾਈਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟਰਬਾਈਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ ਟਰਬਾਈਨ ਦਾ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਰਬਾਈਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ
वेट की तो उत्थे जरूरत है जिथे अगों चीज ने दबना या लोड लेना उत्थे वेट ने उन्हें धक्का ला के कढ़ना, यानी यकदम जी सट आ पीटीओ के पिछे ना जान देनी। यार ये की तरीका है, मतलब तुसी टरबाइन का पानी वाला जो गेयर बॉक्स है वो उत्ते वेट लगा दो, मतलब मेरी तो समझो बाहर है। सो इस करके हर जगह से वेट असं आदि हो चुके हैं, हर जगह से वेट जिथे लाने की जरूरत उत्थे लाते नहीं, ट्रैक्टर लाने की लड़ा उ कभी नहीं लाया अभी। सो ब्रदर तुम अपने अपनी थ्रैशर के जो वेट वो चैक कराओ, पुलिया के चक्कर चैक कराओ, उत्थे रौला तुहाडे ट्रैक्टर तुहाडे नूं कोई रौला नहीं। बाकी जो फिर भी तुसीं वड्डा ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो मेरा तो पहले मशवरा है कि 480 बल्कि लै लो तुसीं, गाजी तो भी पिछे चले जाओ थोड़ा जिहा, तो वड्डे वाल ना ही जाओ। जो फिर भी लैना तो फिर न्यू ओलैंड का दबंग या 640 या 85, इन्हां दे विचों किसी का एक्सपीरियंस करो, अमीर बेहतर रहेगा। अच्छा जी, ताहिर फयाज भाई, भाई जी तुसी एक यूनीवर्सल 3512 सरगोधा दे वीडियो बनाई सी, उहदा की बनिया, ट्रैक्टर मार्केट विच आया कि नहीं? प्यारे भाईजान, वो एक मेरी समझ के मुताबिक, ये भी मेरी समझ के मुताबिक है, क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक मैं तां कहना हुंदा कि जिन्नियां गल्लां दा पता हुंदा सानूं उहदे हिसाब नाल मैं अपनी समझ के मुताबिक तुहानूं कह के गल करनी हुंदी है। मैनूं लगदा है, मैं पहले भी यह गल दसी सी कि ट्रैक्टर फिलहाल उहदा अग्गा पिछा कोई नहीं, मेरी समझ यह कहिंदी सी, उहदे कागज मागज ये वो इदां दा कोई चीज़ नहीं सी, वह एक दस्ती ट्रायल जहा या एक जुगाड़ सेगा, क्या करो जुगाड़ चल जाए तो उन्होंने कोई जुगाड़ नवा उत्ते थले करके तो ला लू कि क्ढ़ी एक चलाई रखा। बाकी वह प्रॉपर कित रजिस्टर्ड नहीं सीगा वो ट्रैक्टर कितने भी, मेरी नॉलेज के मुताबिक वो किसी भी जगह तो कागज है नहीं सी। बहरहाल एक तुरदा फिरदा ही बस एक चीज़ सी जी उ छपन छुपन हो गई, क्योंकि लसेंस तो इतने लैना कोई आसान काम है इस मुल्क के, लसेंस लैना बहुत मुश्किल काम है। सो इस करके वो भी वह ना तो कोई लसेंस ना कागज़ ना रजिस्टर्ड से कोई, वो दस्ती एक जुगाड़बाजी ने ट्रैक्टर तैयार हुआ जिहड़ा कि कामयाब नहीं सी, तुहानू करैक्ट इनफॉर्मेशन फौरन दी फौरन देती है, जिहदे उत्ते असीं लोकां को गालां भी खादियां सी कि तुसीं सच्ची गल क्यों दसी है, ठीक है जी। वो जिन्हां ने गालां कढ़ियां सी अज्ज वो सानूं नज़र नहीं आ रहे हो उस ट्रैक्टर के उत्ते, कभी वो ट्रैक्टर चलाउण दिखाउण कोई सानूं सानूं पता लगे कित्थे विक रहा कित्थे चल रहा, वो सिर्फ एक अपना डिफेंशियल लॉक उहदा कोई नहीं सीगा, इंजन उहदा गर्म हो रहा सी, टैंकी लोहे दे उत्ते अग्गे रखी गई सी, रेडिएटर उहनूं छोटा सी, पानी दी मकदार घट सी, इंजन बड़ा सी रूसी दा, ठीक है जी। पिछला हिस्सा 265 का सी, माडी गार्ड जिहड़े ओह 265 पुराने मॉडल दे, इस तरह के कुछ जोड़ तोड़ सी, काफ़ी सारे मैं अगर दस चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा अगे आ गए ने जी खान फार्मर, यस भाई जी 375 पंप मिल जाएगा 2021 में? बिल्कुल 375 99 पंप मिल जाएगा जी, और मिलिया खड़ा है, बल्कि साढ़े अपना जानने वाले ने फॉलोअर ने उन्होंने 375 हाल ही के दो दिन पहले डिलीवरी ली है फोटोपास के, उन्होंने स्टैंडर्डाइन पंप का ही 375 मिले है। अगे आ गया जी ट्रैक्टर 44, सर बंपर दोबारा क्यों लगा दिता? वड्डे वीर ये इल्लत, ये इल्लत नहीं टिकन दिंदी, उस इल्लत की परों इन चुके बंपर ला दिता, दिल में चंगा भी नहीं लगता तो खड़ोता चंगा लगता है तो करके ला दिता। बाकी करैक्ट इनफॉर्मेशन उही है जी, थोड़ी वीडियो बना के देती है कि बंपर ट्रैक्टर तंग करता है और नहीं लगाना चाहिए, फजूल आ, वेट लगा लो अलबत्ता अगली साइड बस। फाइनली थोड़े जहा कमेंट लाए सके ते बहुत शुक्रिया जनाब, तुसी इन्नी देर मैनूं बर्दाश्त किया है। कोई भी चीज़ होंदी है छोटी छोटी अपने रिलेटेड होंदी, आपां इंजीनियर नहीं है, आपां मिस्त्री भी नहीं है जी, आपां यूट्यूबर भी पूरे तरह नहीं है, ते आपां सिर्फ एवें कह लो भी तुहाडे नाल वास्ते एवें टाइम गुजारन वास्ते आ जाइएगा, हाजिर हो जाइएगा। सो इस करके एक तालब इलमी है तुहाडे कोलों सीखी दा, तुहाडे कमेंटां तों सीखी दा, तुहाडे कोलों ही माशरे दे विचों सीखी दा, कोई चीज़ हुंदी है कोई गपशप दा बेशक कमेंट हुंदा, कोई रिलेटेड हुंदा, कोई रलदा मिलदा जां हुंदा, जरूर कमेंट करिया करो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जिहड़ा मेरे टाइम चढ़ जाए तो मैं तुहानूं नालों नाल जवाब जिहड़ा ना वो वीडियो दे विच दे देवां, कोशिश करके जिहड़े जरूरी जरूरी हुंदे हल्के हल्के वो थले जवाब दे दईदे आ। नंबर बार बार लोग पुछ रहे हैं दोस्तों कमेंटां दे विच, सारे ही जगह ते नंबर मेरा दित्ता हुंदा है अक्सर 0344-73-2400 वट्सअप नंबर आ मेरा, कमेंट मैं तुहाडे सारयां दे पढ़दा हुंदा, हर किसे दी गल नहीं सोचनी कि कमेंट किसे दा नहीं पढ़िया जांदा, सब दे मैं कमेंट पढ़दा हां, ते बहुत शुक्रिया जिहड़े पॉजिटिव कमेंट करदे ने, हौसला वधाउंदे ने वधिया कमेंट करके, ते विच चलो फिर दूसरे तीसरे भी आ जांदे आ कोई गल नहीं, उहनां दा भी बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलांगे इंशाल्लाह नैक्सट हफ्ते।